नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी आईक्यू में। ये हमारी एथिक्स की स्टडीज की वीडियो सीरीज, और इसमें फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं आपके यूपीएससी मेन पेपर नंबर 4 के खंड का, यानी केस स्टडीज को। 125 मार्क्स आएगा आपको, 80 से 90 तो यहाँ पे स्कोर करना ही करना है। एथिक्स वो पेपर है फ्रेंड्स जो कि आपके ओवरऑल स्कोर को अकेले बिगाड़ सकता है या अकेले बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान है लेकिन कई लोग इसमें ओवर कॉन्फिडेंस पाके ठीक से प्रिपरेशन नहीं करते। कई लोगों का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, कई लोग वही घिसे पिटे आंसर लिख के चले जाते हैं, कई लोग अपने पॉइंट पॉइंट या पैराग्राफ पैराग्राफ वाले आंसर लिख के चले जाते हैं। लेकिन आप में से कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है इतना सफिशियंट होना चाहिए। अभी एक केस स्टडीज का सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपको लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक के सारे केस स्टडीज कराऊंगा, उसके बाद भी लास्ट पे कुछ इस तरह की क्लासेस आपको करवाऊंगा ताकि आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। एनीवेज फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम लोग 2017 के क्वेश्चन पे हैं अभी। ये हमारी 70वीं क्लास है, इसमें आपका जो आखिरी केस स्टडी पूछा गया 2017 में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। यू आर अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIU, बस इतना पढ़ते ही मुझे क्या ध्यान आएगा, RTI एक्ट। आप लोगों को याद है हम लोगों ने जब शुरू किया था पास्ट ईयर केस स्टडी सॉल्व करना, तो CAC 2013 में भी जो सबसे पहला केस स्टडी आया था वो तो RTI एक्ट के ऊपर ही था ना, याद है? बस वो सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस। RTI एक्ट को आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी एक हिस्सा माना गया है। ठीक, RTI एक्ट क्या है? RTI एक आपका टूल है जिसके थ्रू जनता सरकार को अकाउंटेबल या और भी ज्यादा पारदर्शिता लेके आने के लिए हेल्प कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं। यू आर अवेयर दैट RTI एक्ट 2005 एनविसेजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करती है। द एक्ट हैज फंक्शन एज अ चेक ऑन द सपोजिटली आर्बिट्रेरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड एक्शंस। ऐसा माना जाता है कि RTI एक्ट ने आज से पहले चलने वाले जो आपके बिना सर पैर के डिसीजन हो रहे थे सरकार में, उसके ऊपर थोड़ा चेक लगाया है, करप्शन के ऊपर थोड़ा चेक लगाया है। बात बहुत हद तक सही भी है। आप लोगों को याद होगा 2G स्कैम के बारे में। 2G स्कैम के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने RTI एक्ट के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकलवाए भी थे, मतलब 2G स्कैम डिस्कवर होने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, जो इन्फॉर्मेशन आई है RTI एक्ट के थ्रू उसको पढ़ के कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। ठीक है, हाउएवर एज अ PIO यू हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर सिटीजंस हु फाइल RTI एप्लीकेशंस नॉट फॉर देमसेल्व्स बट ऑन बिहाफ ऑफ सच स्टेक होल्डर्स हु परपोर्टेडली वांट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। अब देखिए, हाउएवर वर्ड से शुरुआत हुई सेंटेंस की, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, RTI एक्ट नो डाउट बहुत अच्छा एक्ट है, मैं खुद भी CPI हूँ, मैंने भी हर चीज को देखा है काफी पास से, मैंने खुद भी हजारों RTI केसेस डील किए। RTI एक्ट नो डाउट ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। CIC एक ऐसी बॉडी है जिसका डर हर सरकारी ऑफिसर को होता है। RTI एक्ट को कभी भी आप लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप सरकार में नौकरी करते हैं और अगर आपको PIO बनाया जाता है, तो आप RTI एक्ट को कभी भी लाइटली नहीं लेंगे, ये बहुत ही खतरनाक चीज है एक ब्यूरोक्रेट के लिए। क्यों? क्योंकि CIC जो है वो किसी की नहीं सुनता। CIC में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते, ज्यादातर लोग होते हैं जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह। उनके पास होती है पावर PIO को पनिश करने की, डिसिप्लिनरी पेमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन लेवाने की, उनकी सैलरी स्टॉप करवा देने की वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारे पावर होते हैं। तो अगर आपका केस जाता है, और मोस्टली सारे केस जाते ही हैं सेकेंड अपील में, तो CIC आपकी पर्सनल सुनवाई करेगा, आपको बुलाएगा और डांटता फटकारता भी है। ये सब मैं झेल चुका हूँ। एनीवेज, ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि RTI एक्ट की वजह से पारदर्शिता देखिए आती है सिस्टम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब RTI एक्ट ने हर सिटीजन को इम्पावर किया है कि आप सरकार से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, 30 दिनों का टाइम लिमिट भी दिया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय एक्ट भी है। अब हुआ यह कि कई सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट RTI एक्टिविस्ट बन गए, जैसे सुभाष चंद्र अग्रवाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी फेमस RTI एक्टिविस्ट। ऐसे कई सारे और भी RTI एक्टिविस्ट हैं जिनका कि नाम बहुत फेमस है,
कई सारे स्कैम्स वगैरह के घोटाले वगैरह का एक्सपोज करने में आरटीआई एक्ट के थ्रू प्राप्त की हुई जानकारी बहुत क्रूशियल साबित होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अब्यूज भी शुरू हो गया। कई लोग क्या करते हैं, बार बार एक ही मुद्दे के ऊपर आरटीआई लगाते रहते हैं। अब मान लीजिए कि आप अगर पीआईओ हैं, आपके पास आरटीआई एप्लीकेशन आता है और आप देख रहे हैं एप्लीकेशन में कि एक ही नाम है मिस्टर ए या मिसेस बी, वो बार बार एक ही इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या मांग रही है। अब होता यह है कि आप तो सीपीआईओ या पीआईओ हैं, तो आप इंफॉर्मेशन डिनाई करेंगे नहीं, आप तो अपनी नौकरी बचाने के लिए या सीआईसी के डर में या जनता की सेवा करने की भावना में हर बार उसको इंफॉर्मेशन देंगे। फिर आप देखिएगा कि मिस्टर ए जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वही इंफॉर्मेशन मांगने के लिए अचानक किसी दिन 100 150 और आरटीआई एप्लीकेशन आ गए। आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्यूटी है भाई, आप पीआईओ, आप इन्फॉर्मेशन डिनाई कर नहीं सकते। और अगर आपने किसी एक जने को इन्फॉर्मेशन दे दिया, अगर आपने किसी एक एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन दे दिया, दूसरे को भी देना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि जो पीआईओ होता है वो खुद भी एक सरकारी अफसर होता है, जनता का सेवक है। पीआईओ कोई सेपरेट आदमी नहीं होता डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में ही जो ऑलरेडी कुछ और काम कर रहा है उसको आप एक्स्ट्रा काम दे देते हैं पीआईओ का। अब यहाँ पे दो विकट समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला तो ये कि आरटीआई वाला जितना काम है वो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा इस पर्सन को, ठीक। दूसरा ये कि 30 दिन के अंदर रिप्लाई भी करना है। तो ये पर्सन अपना जो मेजर काम है सरकार में, जिस काम को करने के लिए इसको चुना गया था, उसको दरकिनार करके उसको आरटीआई एक्ट के साथ डील करना पड़ता है। इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक जार्गन है जो कि आरटीआई के लोग डिस्कस करते हुए यूज करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 30 दिन के अंदर रिप्लाई भी करना है और साथ में अपना काम भी करना है, तो पीआईओ ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है। इसके ऊपर अगर एक ही डेटा या एक ही इंफॉर्मेशन के ऊपर 100 150 लोग, 1000 2000 लोग आरटीआई लगा दें, हर एक का रिप्लाई बनाना पड़ता है, हर बार फाइल बनती है, हर बार ऑनलाइन रिप्लाई जाना पड़ता है, हर बार आपको साइन करना पड़ेगा, हर बार आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ सही डेटा तो जा रहा है ना, सही इंफॉर्मेशन तो जा रही है ना, आप गलत इंफॉर्मेशन दे भी नहीं सकते। तो ये अब्यूज जो है आरटीआई एक्ट का, ये बढ़ गया हाल फिलहाल के दिनों में। ये चीज मैंने भी फील किया है, मैंने भी कुछ स्टेप्स लिए, आपको आगे बताऊंगा। मैं इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू ही बताऊंगा क्या करना होता है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम देर आर दोज आरटीआई एक्टिविस्ट हु रूटीनली फाइल आरटीआई एप्लीकेशंस एंड अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द डिसीजन मेकर्स। ब्लैकमेल भी चलने लगा है। दिस टाइप ऑफ आरटीआई एक्टिविज्म हैज अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्सली एंड आल्सो पॉसिबली जेपर्टाइज द जेन्युइननेस ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच आर एसेंशियली एम्ड एट गेटिंग जस्टिस। अब आपके सामने अगर 100 एप्लीकेशन आ गए, आपको कहां से पता चलेगा कि इस 100 में से कौन से 10 एप्लीकेशन लगाने वाले लोग वाकई में जेन्युइन है और बाकी 90 लोग किसी और नाम से, किसी और के एड्रेस से, किसी और के फोन नंबर से 10 रुपए का स्टैम्प भर के आपसे इंफॉर्मेशन मांग के आपको हरास कर रहे हैं? आपको तो ये सारे 100 100 एप्लीकेशन पढ़ने ही पड़ेंगे ना, है कि नहीं? ये एक इशू उठ जाता है, अब्यूज हो रहा है आरटीआई एक्ट का। बल्कि कुछ टाइम पहले इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जैसे बोबडे, इन्होंने भी इस चीज के ऊपर बहुत सारे अपने कमेंट्स दिए। इस तरह का अब्यूज क्यों हो रहा है इंडिया में? आरटीआई एक्ट जैसे नेक इरादे वाले एक्ट का भी मिसयूज कर रहे हैं इंडिया के लोग। इन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी एप्लीकेशन मांगता है उसका जरा लोकल स्टैंड टाइम तो चेक करो। मैं आपको बताऊंगा इस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा अब्यूज बढ़ गया है। तो सवाल आपसे ये है कि व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू सेपरेट जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस, गिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ योर सजेशंस। 250 शब्द 20 नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने टेक्निक को। आपका वन लाइन समरी क्या है? आपका यहाँ पे वन लाइन समरी है मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिसयूज हो रहा है। सबसे पहला मिसयूज ये हो रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आरटीआई फाइल किया जा रहा है, दूसरा एक्सटॉर्शन के लिए आरटीआई फाइल किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड एक्सटॉर्शन, मतलब बेसिकली आरटीआई एक्ट का अब्यूज हो रहा है,
है। अब देखिए यहाँ पे आपके की वैल्यूज क्या क्या होंगे, जरा उनको देख लेते हैं। ये की वैल्यू यहाँ पे ये चीजें होंगी। सबसे पहले आपका की वैल्यू देखिए आरटीआई एक्ट का जो ट्रांसपेरेंसी है वो आएगा, फिर सरकारी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो चीज भी आएगा। इसके अलावा आपका आरटीआई एक्ट जो है उसको हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ भी जोड़ दिया है, और आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर भी आ जाएगा। उसके अलावा आपका एथिकल गवर्नेंस, ये भी आपका की टर्म है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये भी आपका की टर्म है यहाँ पे। इन सारे रिफॉर्म्स, इन सारे स्टेप्स का आप या फिर इन सारे वैल्यूज का आप यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सेकेंड एआरसी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन वही बताया था कि कैसे आरटीआई एक डार्कनेस और सीक्रेसी वाले कल्चर में फ्रेश रे ऑफ होप एंड ब्लास्ट ऑफ फ्रेश एयर बन के आता है। तो आप इस तरह के फ्लावरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, आपका आंसर और अच्छा लगेगा। लेकिन ये नहीं करिएगा कि हर जगह फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी रिपोर्ट, किसी कमिटी के डिलीबरेशन या मिनट्स में अगर आपने कोई इस तरह का अच्छा एक्सप्रेशन पढ़ा जो फ्लावरी है, मेटाफर है, उसका आप यूज करिए। बाकी कोट कर दीजिए कि सेकेंड एआरसी ने ऐसा बोला है, तो फिर ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके की वैल्यूज। आप यहाँ पे कुछ फिलोसफी का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फिलॉसफी एक तो हो गया आपका ड्यूटी एथिक्स, क्योंकि अगर आप पीआईयू हैं तो आपको अपना कर्म तो निभाना ही निभाना है, तो आप कांट की फिलॉसफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यूटिलिटेरियन वैल्यूज भी इन्वॉल्व है। कैसे? देखिए अगर पीआईयू अपना काम ठीक से करेगा तो जनता में इंफॉर्मेशन की बौछार होगी, तो इसकी वजह से आपका कॉमन कलेक्टिव गुड बढ़ जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे जेम्स मैडिसन की फिलॉसफी का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था उसका भी यूज कर सकते हैं। वुड्रो विल्सन के फिलॉसफी का यूज कर सकते हैं। वुड्रो विल्सन ने कहा था कि जो करप्शन होता है ना, इट अवॉइड्स ओपन प्लेसेस, इट सर्च ओनली फॉर डार्क प्लेसेस और क्लोज प्लेसेस। ये सारे अमेरिकन थिंकर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह, इनकी फिलोसफी का यूज कर सकते हैं। बट ये सारी चीजों का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है ही नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ आरटीआई एक्ट के थ्रू ये पूछ रहा है आपसे कि जो अब्यूज और मिसयूज हो रहा है उसको कैसे हम लोग एड्रेस करें। तो आपने इतना सब कुछ लिखा है, इसका डायरेक्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल इतना कुछ लिखना या सोच लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड ना फ्रेंड्स इस तरह का होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट जहां है, जेम्स मैडिसन, जॉन एफ केनेडी, वुड्रो विल्सन, ड्यूटी एथिक्स, यूटिलिटेरियन वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आपके माइंड में इमिडिएटली आ जाना चाहिए। ठीक है, एनीवेज इसका कहीं 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 हम लोग इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन आइए हम लोग पहले अपने आंसर के स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, एथिकल इश्यूज को भी आप मेंशन करिए। क्यों? क्योंकि मिसयूज हो रहा आरटीआई एक्ट का। उसके बाद आप यहाँ पे अपने सजेशंस दीजिए कि हाउ टू सेपरेट जेन्युइन फ्रॉम नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस, और आप इनका कर दीजिए मेडे, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट एनालिसिस। फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिए, फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने उत्तर की, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा, देखिए आप सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट की थोड़ी सी बड़ाई कर दीजिए, चाहे तो सेकेंड एआरसी वाला लाइन यहाँ चेप दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लेकिन आप लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, आरटीआई इज अ मेजर टूल अवेलेबल विथ पब्लिक टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स।
आप चाहें तो यहाँ पे सेकेंड एआरसी वाले स्टेटमेंट को लिख दीजिए, या फिर आप जॉन एफ कैनेडी के स्टेटमेंट को लिख दीजिए। जॉन एफ कैनेडी ने क्या बोला था कि द वेरी वर्ड सीक्रेसी इज रिपग्नेंट टू द वर्ड डेमोक्रेसी। इवन अब्राहम लिंकन ने भी एक बार बोला था कि पीपल हैव राइट टू नो, लेट पीपल नो एवरीथिंग एंड द कंट्री विल बी सेफ। ऐसा भी किसी अमेरिकन थिंकर ने बोला है। ऐसे बहुत सारे कोट्स है फ्रेंड, मैं अपनी बुक में तो डालूंगा इन सारे कोट्स को, आपको भी ऐसे कई सारे कोट्स में दे चुका हूँ, आगे भी दूंगा। ठीक है, तो ये आपके इंट्रो का शुरुआत हो गया, लेकिन इसके बाद अब लिखिए हाउएवर। ये सबसे फेवरेट वर्ड है यूपीएससी का, हाउएवर। सब कुछ बोलने लिखने का यूपीएससी बोलती है हालांकि, यानी कि हाउएवर। देखिए हाउएवर, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ आरटीआई लॉ which have added to the burden on public servants and raises many ethical questions questions, right? Thus, there is a need to filter out applications, keeping in mind, genuine use of RTI, genuine use of RTI Act। बस इतना इंट्रो काफी है आपका। मैंने इस इंट्रो में एग्जामिनर को कुछ भी नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने इतना बोला कि भाई जेन्युइन एप्लीकेशंस को फिल्टर आउट करने की आवश्यकता तो है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे या तो सेकेंड एआरसी लिखिए या जॉन एफ कैनेडी लिखिए, या फिर आप लिखिए इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। और इसको आप जोड़ दीजिए अपने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के साथ। ईदर ऑफ दीज थ्री में से आप किसी भी तीन को, सॉरी किसी भी एक को यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, चाहे तो दो को भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा स्टेक होल्डर के ऊपर चलते आइए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? यहाँ ब्रॉडली दो ही स्टेक होल्डर हैं, एक है आपका पीआईओ और एक है आपकी सोसाइटी या फिर जो एप्लीकेंट है वो। पीआईओ या फिर एप्लीकेंट और सोसाइटी। अब देखिए पीआईओ क्या क्या वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, ड्यूटी, एथिक्स, लीगल ऑब्लिगेशन अंडर आरटीआई एक्ट। और क्या वैल्यू होगा यहाँ पीआईओ का? पीआईओ जो है उसको टाइम बाउंड डिस्क्लोजर करना होता है, तो टाइम बाउंड डिस्क्लोजर। और एक होना चाहिए आपका सुओ मोटू डिस्क्लोजर्स। आरटीआई एक्ट ये बात बोलता है कि सरकार को अपने वेबसाइट वगैरह पे पब्लिक डोमेन में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि लोगों के पास आरटीआई एक्ट यूज करने का कम से कम जरूरत हो। तो देखिए समाज को क्या चाहिए? समाज को चाहिए आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और क्या चाहिए? पब्लिक फेथ, या कि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे सरकार के ऊपर। और क्या चाहिए समाज को? समाज को चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट, आरटीआई एक्ट का इन्फोर्समेंट हो। ठीक, समाज को चाहिए मिनिमम रिकोर्स टू आरटीआई एक्ट
और एक पीआईओ और समाज के बीच में एक कॉमन वैल्यू होगी। कॉमन वैल्यू ये है आपकी कि प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, ये कॉमन वैल्यू आप चाहे तो इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। आप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दोनों के बीच में भी लिख सकते हैं कि कॉमन वैल्यू ये। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एथिकल इश्यू। इसको ऐसे लिखिए आप कि द मेंशनड मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट रेजेस द फॉलोइंग एथिकल इश्यूज। देखिए, आरटीआई एक्ट का अगर मिसयूज होता है तो उसकी वजह से क्या क्या एथिकल इश्यू राइज होते हैं। सबसे पहला इश्यू ये है, बिट्रेयल ऑफ मोरालिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट बनाया गया था जनता के पास एक पावरफुल टूल की तरह, नॉट फॉर अब्यूज, नॉट फॉर अब्यूज, बिकॉज टूल विल बी यूज्ड एज एन अब्यूसिव वेपन। ये आपका पहला एथिकल इश्यू है। दूसरा क्या है, फ्रिवलस वेक्सेशियस एंड रिपीटेड आरटीआई एक्ट विल कॉज डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्जन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, दस हिंडरिंग देयर ऑफिशियल वर्क एंड डेवलपमेंट, दस हिंडरिंग देयर ऑफिशियल वर्क एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। भाई सरकार का कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो कोई सरकारी काम कर रहा होगा या कोई जनसेवा काम कर रहा होगा। अब उसको ये सारा काम छोड़ के अगर आरटीआई एक्ट ही देखना पड़ जाएगा तो फिर डिस्प्रोपोर्शनल डाइवर्जन होगा, तो वो सारा मेजर काम आपका रुक जाएगा। तीसरा देखिए, नो लीगल पेनाल्टी ऑन अब्यूज ऑफ आरटीआई एक्ट। कहीं पे भी आरटीआई एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अब्यूज किया तो इसका क्या होगा। फॉर एप्लीकेंट्स, मतलब एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, पीआईओ के लिए है, इतना फाइन लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एप्लीकेंट के लिए कुछ भी नहीं है। चौथा देखिए, अब्यूज विल डिटर, अब्यूज विल डिटर मोटिवेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड इरोड अवे द रिलेशंस। ये रिलेशन का मतलब स्पिरिट वर्ड को यूज कर लीजिए। जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट है वो भी डिटर हो जाएगा कि मैं किसकी सेवा करूं, जनता आरटीआई एक्ट लगा लगा के परेशान करी तो किसकी सेवा करूं। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपके एथिकल इश्यूज हैं जो कि मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट की वजह से राइज करते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे इन सब का सॉल्यूशन देना, तो आप लिखिए, फॉलोइंग सॉल्यूशंस मे बी प्रोवाइडेड। अब यहां पे फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने पेपर में पढ़ा था। पेपर में मैंने पढ़ा था कि आरटीआई एक्ट का जो मिसयूज हो रहा है, जो बार बार फ्रिवलस एप्लीकेशन आते हैं, वेक्सेशियस एप्लीकेशन आते हैं, वगैरह वगैरह, कहा गया था कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल।
जो कि बार बार आरडी एक्ट का मिसयूज करते हैं, एक वो जिन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल एक्सपोज करने वाले हैं या करना चाहते हैं, एक वो जिनके के पास कोई ग्रीवेंस होता है, ठीक, और एक वो जो कि जानबूझ के हरास करना चाहते हैं सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को। तीन तरह के लोग होते ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो मामला है कि आरटीए एक्ट का मिसयूज हो रहा है पहली बार आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, इसके पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों को याद हो, एक केस हुआ था रमेश चंद जैन, रमेश चंद जैन केस गया था सीआईसी के पास। इस केस में सीआईसी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं कि अगर फ्रिवलस वेक्सेशियस रिपीट आरटीए एक्ट आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने पर्सनली फ्रेंड्स इस केस का यूज करके बहुत सारे आरटीए एक्ट को ब्लॉक भी किया, मैंने बहुत सारे आरटीए रिक्वेस्ट को ब्लॉक भी किया है और सीआईसी ने मुझे अपहोल्ड भी किया है। ये रमेश चंद जैन का जो केस है इसके थ्रू, इस केस में सीआईसी ने बोला है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए एक ही चीज का। मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, उसने पहली बार आरटीए लगाई, उसने कोई इन्फॉर्मेशन आई मांगा, मैंने दे दिया, उसने दूसरी बार फिर आरटीए लगाई, फिर से इन्फॉर्मेशन वाई मांग लिया, उसने तीसरी बार फिर लगाई, फिर आई लगा लिया, सेम इन्फॉर्मेशन मांग लिया। हो सकता है थोड़ी इंग्लिश चेंज कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन तो वही मांगेगा वो। अब एक बार देने के बाद जैसे ही दूसरी बार आएगा, मैं इसको डिनाई कर दूंगा यूजिंग रमेश चंद जैन केस, और मैं सीआईसी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैंने इस पर्सन को डिनाई कर दिया क्योंकि इसने सेम चीज दोबारा मांगी। सीआईसी विल अप्रिशिएट इट, ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, ठीक है। तो रमेश चंद जैन केस का आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आइए क्या क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। एक सॉल्यूशन जो आप दे सकते हैं वो ये है कि आरटीआई की जो फी है उसको आप इंक्रीज कर दीजिए। अभी क्या है, अभी इसकी फी होती है 10 रुपए एंड ये होता है फ्री फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है तो आपको 10 रुपए की फी भरनी पड़ती है। आप इसकी फी को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए इसके क्या मेरिट होंगे और इसके क्या डिमेरिट होंगे। इसका सबसे पहला मेरिट ये है, इट विल डेटर डेटर रिपीट एप्लीकेशंस, बिकॉज कॉस्ट इज अटैच्ड टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक, बट डिमेरिट क्या है, पीपल विल लूज एक्सेस। क्यों? क्योंकि तो खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा उनका। अगर उनका खर्च अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर उनका खर्च अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, एक तरह से पब्लिक ट्रस्ट भी खत्म होने लगेगा। अभी देखिए क्यों 10 रुपए रखा गया है और क्यों फ्री रखा गया बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, ताकि जनता के पास एक्सेस रहे, जनता को मुश्किल ना हो, जनता को ज्यादा सोचना ना पड़े कि इतने पैसे क्यों खर्च करें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आरटीआई फी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी में एक और छोटा सजेशन ये है, बहुत जगह लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट शुड इशू आरटीआई स्टैम्प्स, आरटीआई के स्टैम्प्स इशू कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या मेरिट है और इसमें क्या डिमेरिट है। इसका मेरिट भी वही है कि कॉस्ट जो है सो इंक्रीज हो जाएगा, बट इसमें डिमेरिट क्या है, डिमेरिट भी वही है आपका कि पब्लिक का एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड, पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विल बी रिड्यूस। दूसरा, हैंडलिंग स्टैम्प्स इज अ लॉसी बिजनेस फॉर गवर्नमेंट। सरकार के लिए एक घाटे का सौदा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसको हैंडल करेगा, यहाँ पे घाटे का सौदा हो जाएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जैसा चीफ जस्टिस ने भी बोला, ऐसे बोबड़े ने भी बोला कि सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है और आस्क लोकस
स्टैंड आई एंड फोटो आईडी कार्ड प्रूफ। अभी क्या है कि फोटो आईडी कार्ड प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, लोग सीधा आरटीआई एक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें मेरिट क्या है और इसमें डिमेरिट क्या है। मेरिट तो यह है कि ओनली सीरियस एप्लीकेशंस विल कम। ओनली सीरियस एप्लीकेशंस विल ठीक है। ओनली दोज पीपल हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड विल अप्लाई। ओनली दोज हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड विल अप्लाई। बट इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है, एक तो ये कि लोकस स्टैंडाई को झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग उसको लोकस स्टैंडाई को झूठ बोल सकते हैं। दूसरा, लोकस स्टैंडाई को मेंशन कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। लोकस स्टैंडाई की वजह से एक्सक्लूड हो जाएंगे पुअर एंड इलिटरेट पीपल। क्यों? गरीब जनता को ये नहीं पता कि क्या लिख के दें एप्लीकेशन के ऊपर कि हम क्यों ये एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं। प्लस फोटो आईडी जो है, अगर ये आप कलेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से प्राइवेसी इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इन फोटो आईडीज का मिसयूज भी पॉसिबल है। इन फोटो आईडीज का मिसयूज भी पॉसिबल है। इसी में कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हर आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर उसका पर्पस भी लिखवा लिया जाए। That is stating purpose over every RTI application. हर RTI application के ऊपर उसका purpose लिखाना चाहिए कि क्यों ये information मांगा जा रहा है। It is basically same as saying कि भाई आपको locus standi भी mention करना चाहिए। ठीक, तो मेरिट ये कि हाँ, इसकी वजह से डेटरेंस इफेक्ट तो होगा। जो नॉन सीरियस लोग हैं वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा, इसकी वजह से पीआईओस को सेग्रीगेट करना भी आसान हो जाएगा। पीआईओस कैन सेग्रीगेट इजली कि भाई जिस एप्लीकेशन के ऊपर क्लियरली लिखा हो कि पर्पस क्या है, सिर्फ उसका रिप्लाई दीजिए। बट इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि मे बी लाइट ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी लिख के दे देना एप्लीकेशन के ऊपर कि ये पर्पस है। अच्छा, दूसरा ये कि सब्जेक्टिविटी ऑफ पीआईओ विल बी इन्वॉल्व। तो हो सकता है कि पीआईओ जानबूझ के ऐसे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे जिसमें एक करप्शन एंगल एक्सपोज हो रहा हो। तो जो पीआईओ है वो जानबूझ के कुछ इस तरह का काम कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से फिर आपका करप्शन भी बढ़ सकता है। अब उल्टा पीआईओ ही पैसे मांगने लगेगा एप्लीकेंट से कि पैसे दोगे तो ही एप्लीकेशन प्रोसेस करूंगा मैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक, अच्छा, उसके अलावा एक और तरीका क्या है? एक और तरीका यह है कि सरकार खुद ही काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाए। प्रोएक्टिव होने के लिए क्या कर सकती है सरकार? प्रोएक्टिव होने के लिए यह कर सकती है, देखिए, एक तो ये करना चाहिए सरकार को कि मैक्सिमम सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ डेटा कर देना चाहिए। खुद ही इतना ज्यादा डेटा डिस्क्लोज कर दीजिए कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े आरटीआई एक्ट को अप्लाई करने की। अगर अप्लाई करते भी हैं तो आपको सिंपल वन लाइन आंसर देना है कि डेटा इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। तो अब इसके मेरिट क्या है और इसके डिमेरिट क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। मेरिट यह है कि मिनिमम रिकोर्स टू आरटीआई एक्ट बिसाइड्स दिस स्टेप इज इन लाइन विथ स्पिरिट ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई खुद ही बोलता है कि भाई खुद ही आप इतना डिस्क्लोजर करते रहा करिए कि लोगों के पास
जरूरत ही ना हो आरटीए एक्ट को यूज करने की। मान लीजिए आपने कोई डेटा डाल दिया पब्लिक डोमेन में, उसके बाद भी अगर उसके ऊपर कोई आरटीए एक्ट का एप्लीकेशन आता है तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपल वन लाइन में आंसर देना है कि इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, जाओ खुद खोज लो। यस, ये अलाउ करता है आरटीए एक्ट आपको लिखना कि इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, जाओ खुद खोज लो, ये आप लिख के दे सकते हैं, नो इशू। ठीक है, बट इसमें डिमेरिट क्या है? इसमें ऐसे कोई डिमेरिट नहीं है, इसमें ऐसे कोई डिमेरिट नहीं, बस ये है कि इट इज वन टाइम एक्सरसाइज विच डिमांड्स रिसोर्सेस एंड एफर्ट्स। एक बार आपको सारे रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, फिर आपको जिंदगी भर आराम मिल जाएगा। एक और चीज ये कर सकती है सरकार कि ब्लैकलिस्ट कर दे नोन ऑफेंडर्स या नोन कल्प्रिट्स। ऑफेंडर वर्ड लिख दीजिए या रिपीट ऑफेंडर लिख दीजिए, मतलब ऐसे लोग जो कि बार बार आरटीए एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं, इनको ब्लैकलिस्ट कर दे। ठीक है, इसमें क्या मेरिट है और इसमें क्या डिमेरिट है? इसका मेरिट ये है कि इस लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं तो फ्यूचर मिसयूज कैन बी लेसेंड, आगे जो मिसयूज होगा उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे जो मिसयूज होगा उसको कम किया जा सकता है, सो डैट कि सारे विभागों को पता होगा कि इस नाम का व्यक्ति जो है एप्लीकेशन देता है तो ये जानबूझ के परेशान करने को देता है। सो इट विल इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स नो अबाउट सच ऑफेंडर्स। ठीक है, एक और इसमें मेरिट क्या है? देखिए, एक और इसमें मेरिट ये है डैट कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो प्रोएक्टिवली स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनके अंदर जो आरटीए एक्ट को लेकर डर बना वो खत्म हो जाएगा। इट विल ऑल्सो हेल्प टू लेसन फियर ऑफ आरटीआई एक्ट इन पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, बट मिसयूज भी हो सकता है इस चीज का, तो इसका डिमेरिट क्या है? इसका डिमेरिट ये है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि यहां पे भी आपका सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है पीआईओ का, सब्जेक्टिविटी ऑफ पीआईओ इज इन्वॉल्व्ड हियर आल्सो। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए आपने किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उससे उसका आरटीआई एक्ट छीन लिया। अब मान लीजिए उसको सही में कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन अगर मांगनी हो तो कैसे मांगेगा? तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि टेंटामाउंट टू डिनायल ऑफ आरटीआई एक्ट, एंड व्हाट इफ सेम पर्सन वांट्स जेन्युइन इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर, तो क्या उसको दूसरे की ईमेल आईडी या दूसरे की फोटो आईडी का यूज करना चाहिए? मतलब आप फोर्स कर रहे हैं किसी को इम्पर्सोनेशन करने के लिए, तो ये इस चीज का डिमेरिट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं जिसका कि आप जिक्र कर सकते हैं कि ये सारे कुछ स्टेप्स हैं या फिर ये सारे कुछ ऐसे रिकमेंडेशन हैं जिसका यूज करके आरटीआई एक्ट का जो मिसयूज हो रहा है या जो अब्यूज हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। ठीक, लेकिन हर स्टेप में कुछ ना कुछ डिमेरिट है, तो अल्टीमेटली आप इसमें कंक्लूजन में लिख दीजिए कि द मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट नीड्स टू बी कर्व्ड। फॉर दिस the guiding values on the part of PIOs, on the part of government must be
ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सर्विस एंड डेडिकेशन। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को भी इंक्लूड कर ली। इनफैक्ट इट इज बेटर टू राइट ऑब्जेक्टिविटी हियर, बिकॉज आपको सेग्रीगेट करना है जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को। ठीक है, फाइनली आप लिखिए, इट इज बेस्ट टू यूज। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन बेस्ट हैं आपका। एक तो है कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डाल दिए, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका बेस्ट है। इसके अलावा जो भी आपका आरटीआई का एप्लीकेशन आता है उसके ऊपर आप पर्पस लिखवा लीजिए या फिर लोकल से स्टैंडआई पूछ लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इट इज बेस्ट टू यूज। ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं। एक तो है कि आप मैक्सिमम सुओ टू डिस्क्लोजर करते हैं, ऑप्शन नंबर 5। दूसरा आप पर्पस पूछ ले, ऑप्शन नंबर 4 या फिर ऑप्शन नंबर 3। इट इज बेस्ट टू यूज ऑप्शन नंबर या फिर सजेशन नंबर 5, 4 and 3। ठीक है, 5, 4 and 3 आपके बेस्ट सजेशन यहाँ पे। फाइनली फ्रेंड्स, अपने कोट पे आप एंड कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी को लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप वुडरो विल्सन को लिख दीजिए। कोट आप लोगों को पता ही है। ये कोट लिखने के बाद आप लास्ट में लिखिए कि आरटीआई एक्ट इज अ ग्रेट टूल टू बूस्ट गुड एंड इफिशियंट गवर्नेंस बट इट्स मिसयूज मस्ट बी कर्व्ड। बस हो गया आपका आंसर। अगर आप लोग चाहते हैं तो रमेश चंद जैन के केस का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बार बार अगर एक ही एप्लीकेशन आ रहा है उसको डिनाई कर दीजिए। तो ये है फ्रेंड्स आपके केस स्टडी का आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपके लिए इस केस स्टडी के आंसर को एक बार फिर से समराइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसके आंसर को फिर से एक बार समझिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। इनफैक्ट इसके ऊपर अगर एसे भी आता है आपका, आरटीआई एक्ट के ऊपर अगर एसे भी आता है, मैं नॉर्मली देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, आरटीआई एक्ट के ऊपर जब एसे आता है तो उसमें सिर्फ आरटीआई एक्ट के पॉजिटिव चीजों के बारे में ही लिख करके छोड़ देते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ये वो बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, करप्शन को एक्सपोज करने का मतलब वगैरह वगैरह। बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि आरटीआई एक्ट के मिसयूज के अंदर भी जाते हैं, जैसे कि केस स्टडी आपसे पूछ रहा है। इस तरह के लेसर नोन एस्पेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, इनका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपके लिए फिर से इस केस स्टडी को समराइज करता हूँ एक बार। केस स्टडी सिंपली ये है कि भाई आरटीआई एक्ट का मिसयूज हो रहा है एक्सटॉर्शन के लिए, वेस्टर इंटरेस्ट के लिए, या फिर हरास करने के लिए लोगों को, मतलब सरकारी अफसरों को। आप कैसे इस चीज को रोकेंगे? तो हम लोगों ने फ्रेंड्स पहले तो इंट्रो लिखा, हमने लिखा आरटीआई एक्ट कितना सुंदर एक्ट है, लेकिन इसका जो मिसयूज हो रहा है उसकी वजह से कई सारे नैतिक सवाल भी उठते हैं, तो हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, हमें फिल्टर आउट करना चाहिए एप्लीकेशन को। फिर लोगों ने एक स्टेक होल्डर का डायग्राम बनाया, दो स्टेक होल्डर है, पीआईओ और एप्लीकेंट या फिर समाज। फिर हम लोगों ने कहा क्या क्या एथिकल इशू हो सकते हैं अगर मिसयूज हो रहा है आरटीआई एक्ट का, तो हम लोगों ने ABCD करके 4 इशूज यहाँ पर लिखा। मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया 3 कैटेगरी के, आरटीआई एप्लीकेंट्स कौन कौन होते हैं जो हरास करना चाहते हैं या ग्रीवेंस है या फिर एक्सपोज करना चाहते हैं। और मैंने आपको एक रमेश चंद जैन केस का नाम बताया, ये CIC का केस है, इसको याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली वन ऑफ इट्स ओन काइंड केस। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और केस है, अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एक हुआ था केस आपका CBSE वर्सेस बंदोपाध्याय केस। इसमें तो बोला गया था CBSE को RTA लगा करके हमें आंसर शीट की कॉपी दिखाओ,
लेकिन बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन के मिसयूज के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली मैंने आपको सॉल्यूशंस के लिए कुछ ऑप्शन बताए। आप फीस को इंक्रीज कर सकते हैं, आरटीआई स्टैम्प्स को इशू कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू को क्लब भी कर सकते हैं। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर थ्री आस्क लोकल स्टैंडाई एंड फोटो आईडी कार्ड प्रूफ। ऑप्शन नंबर फोर पर्पस लिखवाई हर आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर। ऑप्शन नंबर फाइव इतना इंफॉर्मेशन खुद ही डिस्क्लोज कर दीजिए पब्लिक डोमेन में कि जनता को आरटीआई एक्ट की आवश्यकता ही ना पड़े। ऑप्शन नंबर सिक्स जो बार बार परेशान करता है उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका आंसर फॉर द लास्ट केस स्टडी ऑफ सीएससी 2017 क्लास नंबर 17। फ्रेंड्स अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग 2018 के केस स्टडीज की शुरुआत करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग।